होना था प्यार तो बहुत लोगों ने सुना है, मैं ये चाहता हूं कि आप खुदा जमीन से गया नहीं है का कोई एक बंद हमें सुना। बहुत पुराना हो गया। उसकी शायद ओपनिंग मुझे याद बिल्कुल है। सुर्ख सूरज घटा नहीं है, घनी है रातें दिया नहीं है, ये आसमां भी नया नहीं है। न खौफ खाओ न सर झुकाओ, उठो के जुल्मत बला नहीं है, खुदा जमीन से गया नहीं। उसके बहुत हालात थे, वॉर ऑन टेरर अपने पीक पे थी, रोज काइंड ऑफ कैजुअलिटीज हो रही थी, हम सब एक उस अजीब सी अनसर्टेनिटी थी, तो शायद वो एक बड़ा डार्क सा टाइम था। अच्छा प्रोजेक्ट था, राहत ने अच्छा गाया, बग्गे ने अच्छा बनाया। उसके बाद हम इमरान देखते हैं कि ये चला सिलसिला, और फिर आपने 2013-14 के दरमियान आपने कुछ डायरेक्शन में भी कदम रखा और आप शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू कर दी। तो मुझे ये बताइए कि आप अपने आप को क्विंटेसेंशियली एक डायरेक्टर समझते हैं या एक शायर समझते हैं, या आप ज्यादा कंफर्टेबल के जोन में? मैं पहले तो खुद को कुछ भी नहीं समझता। ठीक मेरा काम है एक्सप्रेस करना। मेरा काम है फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करना इनटू अ मीडियम। वो मीडियम कोई भी हो सकता है। सो फॉर मी डायरेक्शन इज आल्सो पोइट्री एंड पोइट्री इज आल्सो डायरेक्शन। ठीक आप एक सिंथ में जा रहे हैं, शायरी में भी। शायरी भी इस काइंड ऑफ क्रिएटिंग इमेजेस। शायरी सुन के आप एक्चुअली उसको देखते हैं और तब उससे रिलेट करते हैं। सो मुझे लगता है कि मुझे कहीं भी, मैं किसी तरह से भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मुझे फीलिंग्स को ट्रांसलेट करना है, तो मीडियम कोई भी हो सकता है, और वो फिल्म, म्यूजिक, स्क्रिप्ट, जुमले, कुछ भी। सो आई एम कंफर्टेबल। अच्छा इमरान, 2014 में एपीएस का वाकया हुआ, और वो वाकया जिस तरह पाकिस्तान की तारीख का एक तरह से वॉटरशेड मोमेंट है, उस सानहे पे आपने एक गीत लिखा जो कि कई जुबानों में बाद में और कई ममालिक में भी चला, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे देखने वालों को इस गीत का कुछ पस मंजर बताइए। आपको याद होना चाहिए कि जब ये वाकया हुआ था तो हम कराची में थे, जी हम कराची में, और हम आप कराची एक में थे जगह उस दिन, और एहतिशाम और मुस्तफा अफरीदी ये दोनों हमारे साथ थे। दोपहर का वक्त था और फिर हम टीवी के आगे बैठे का हुए वक्त थे। था, लेकिन आपने मुझे आके मेरे रूम से उठाया और आपने मुझे कहा तुम्हें पता है क्या हो रहा है। तुम्हें नींद से उठा था, और वो शायद पहले 2-3 मिनट मुझे समझ नहीं आया टीवी की स्क्रीन पे कि हो क्या रहा है। और जब तक आई रियलाइज्ड आई कुडंट बिलीव, लाइक जैसे यकीन नहीं आता। वी ऑल नो इट वाज अ वेरी सैड डे। हम सब बहुत अरसा उस कैफियत में रहे, और आपको याद होगा उस रूम में मैंने आपसे एक जुमला कहा था कि मैं आज से पहले तालिबान की कुछ इज्जत करता था। आते हैं, लड़ते हैं, दे आर मैड अबाउट इट, मजा आता है, वगैरह वगैरह। बट आई सेड आज वो दिन है जब से मैंने उनकी इज्जत करना छोड़ दिया। वो इस लायक भी नहीं है कि मैं उन्हें दुश्मन कहूँ। और शायद बड़ा दुश्मन उसी फर्स्ट फीलिंग की एक ट्रांसलेशन थी। दिमाग में तो ये था कि याद है आपको, जिस दिन मैं आपके घर आया और मैंने आपको बताया आई वॉन्ट टू डू अ सॉन्ग एंड पर्पस के, उन बच्चों 12-13 दिन रह गए थे स्कूल खुलने में। हार्डली मेरा बेटा उस वक्त 3 साल का था, 3.5 साल का था, तो रवेल स्कूल लाइक प्ले ग्रुप में जाता था रवेल। सो मैं सोच रहा था, वो बच्चे हमारी वैसे इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रांग होती है, हम बचपन में छोटी सी चीज को आप इतना बड़ा कर लेते हैं। तो मैं सोच रहा था जब ये 12 तारीख को स्कूल खुलेगा और ये बच्चे उस ओपन विंडो के सामने जाके बैठेंगे तो ये क्या क्या सोचेंगे। वो
छोटे छोटे दिल किस तरह से कांप रहे होंगे। पर्पस उस गाने का करने का आपको भी याद है, मकसद ये था कि उस बच्चे के दिल से वो खौफ निकल जाए, वो जो एक डर बैठ गया है, वो जो उसकी इमेजिनेशन में उसको मजलूम बनाता है, वो जो उसकी इमेजिनेशन में उसका खून दिखाता है उसको, हम उसकी उससे बाहर निकाल सके। इमरान, एक सवाल छोटा सा है, नवाज साहब का सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि आप जाहिर है अपनी रोजमर्रा जिंदगी में और भी काम करते हैं, तो ये जो लिखने का सिलसिला है, ये आप अपने जो दूसरा मेन स्ट्रीम करियर है, 9 to 5 जॉब है, उसके साथ इसको कैसे चला लेते हैं? क्या आपको इसकी जगह मिल जाती है? क्या आप मैनेज कर लेते हैं? सर नमाज, आप आई होप यू आर फाइन। यार ये ऐसा है, अगर आप मुझसे अभी पूछो से कि मोहब्बत क्या है, तो या तो मुझे पता है या नहीं पता। लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 10 घंटे पहले डेलिब्रेट करूंगा एंड देन आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो या जो मैं समझ चुका हूँ मुझे समझ है, या इस वक्त कुछ नया समझ में नहीं आने वाला। तो लिखना मेरे लिए ऐसे ही है जैसे जैसे हम अभी भी लिख सकते हैं, जैसे हम बात करते हुए लिख सकते हैं, जैसे हम ऑफिस में लिख सकते हैं, जैसे हम ड्राइव करते हुए लिख सकते हैं, जैसे हम कहीं भी हो लिख सकते हैं। सो इसके लिए टाइम मैंने इमरान, कुछ आपने आपने कहा कि आप ड्राइव करते हुए भी लिख सकते हैं, तो नवाज साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसे खुशनसीब सफर जो वाकई मेरी जिंदगी के हौलनाक सफर जो है उनमें से एक है, कि हम ड्राइव कर रहे थे, इमरान रजा गाड़ी चला रहे थे और मैं साथ बैठा था, और हम गालिबन पिंडी से लाहौर जा रहे थे, और सफर के दौरान इमरान को गाना जो था वो लिखना पड़ गया, कुछ मजबूरी ऐसी थी। तो मैंने इमरान से कहा कि हम किसी सर्विस एरिया पे रोक लेते हैं और वहां पे हम आराम से लिख लेते हैं। इमरान ने कहा, नहीं सर, आपके पास कॉपी पेंसिल है? मैंने कहा हाँ। क्या सर, आप लिखे, मैं आपको लिखवाता हूँ। और वो गाना मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन वो गाना काफी मशहूर गाना है,